अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं मुल्तान मंडी आया हूँ। ये हमारे आरिफ भाई हैं, हमें किसी ने इनका नंबर दिया था और हम इनके पास पहुँचे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ताउन करा, मुखलिस इंसान है और बहुत अच्छे रेट करवाएं। बीमारी वगैरह से हर चीज़ से हमको कोई परेशानी नहीं हुई जानवर के मामले में, और यहाँ तक कि इन्होंने लोड भी करवा के दिया है। ये बहुत कोऑपरेटिव आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भाई को चाहिए तो मुल्तान मंडी में आके आरिफ भाई का नंबर लेके और इनसे रब्ता करें लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। कराची से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बेहद शुक्रगुजार। हमेशा की तरह दोस्त ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके मियार पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में काटू माल के रेट्स, मुल्तान मंडी में माल की क्या पोजीशन है, बछड़े और कट्टों के रेट्स, मुख्तलिफ इलाकों के किराया जात, ख़रीदारी का तरीक़ाकार और मंडी के मुख्तलिफ फ्राड के साथ साथ जनूबी पंजाब साइड पर अगवा की वारदातें और यूट्यूबर्स के थ्रू माल लेना, इन चंद मामलात को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ ज़रा अगवा की वारदातों पर। जनूबी पंजाब साइड, ख़ास तौर पर डेरागाजी खान, राजनपुर, मोहम्मदपुर, फाजलपुर, इस साइड पर सस्ता माल दिखाकर मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को बुलाया जाता है और उसके बाद फिर उनका तावान वसूल किया जा रहा है। ऐसी खबरें आपको सुनने में आ रही होंगी। मैं आप लोगों को कन्फर्म कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी सस्ते माल के लालच में आप इन दूर दराज इलाकों के डेरों पर मत जाएं। ये लालच ही है जो इंसान को फंसाती है और फिर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी यूट्यूबर्स से माल लेना। दोस्तों, आप मसलन, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आप मुझे पर्सनली तो नहीं जानते। मेरे पास लोगों ने 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपये तक भेज दिए। अब मुझे कोई बताए कि भाई ना मेरी शक्ल देखी है मुझे, ये पैसे आप क्या सोचकर भेज रहे हैं? और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उनका माल या तो गलत लेकर दे रहे हैं या उसमें अपना बेइंतहा कमीशन ले रहे हैं या महंगा माल लेकर दे रहे हैं और फजूल किस्म का आपका नुकसान कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मंडी तशरीफ़ लाएँ। अगर आपने माल ख़रीदना है, आपको शौक़ है, तो मंडी तशरीफ़ लाएँ। किसी पर भी एतबार ना करें, आजकल वो ज़माना नहीं रहा। दोस्तों, काटू माल के रेट्स दोस्तों ने फरमाइश की, मैं फिर बता देता हूँ। 150 से 200 किलो के 290 रुपये फ़ी किलो, 200 से 250 किलोग्राम वज़न वाले बछड़े 315 रुपये किलो और 250 से 300 किलोग्राम वज़न के बछड़े 320 रुपये किलो तक खुश्क माल, जो उसके स्लाटर हाउस का माल है, वो तकरीबन इन रेट्स पर मिले हैं। कट्टे की बात भी बता दूँ, 295 से 300 रुपये किलो, ये दोस्तों कट्टे का रेट तकरीबन हो चुका है। कट्टे की डिमांड बढ़ गई है, कट्टे का रेट 265-70 से यकदम 290-95-300 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों, एक दो गाड़ियों के मैं आपको किराए भी बता देता हूं। मुल्तान से सियालकोट की तरफ गाड़ी 44-45 हज़ार रुपये में गई, जिसमें तकरीबन 20 के करीब जानवर थे। इसके अलावा जो लाहौर की तरफ गाड़ी शहजोर, डाला वगैरह गया, वो तकरीबन 26-26 हज़ार रुपये में गया मंडी खर्चे के अलावा। तो इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको भी मुल्तान मंडी से, लुडन मंडी से, बहावलपुर मंडी से, चौक आज़म, ज़ाहिर पीर, शेख वाहन, अगर इन मंडियों से आपने, या शाहजमाल मंडी से बकरे ख़रीदने हैं, बछड़े ख़रीदने हैं, झोटियाँ ख़रीदनी हैं, तो जनाब आप आरिफ भाई के नंबर पर या मेरे नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यही है कि आप मंडी ख़ुद तशरीफ़ लाएं। ये जो भाई हमें वहाँ बैठ कर कहते हैं कि जी हम आपको ऑनलाइन करवाने लगे हैं पैसे और हमारे लिए माल ख़रीदें, दोस्तों माजरत के साथ आप ख़ुद फ्राड को स्टार्ट करवाते हैं। लालच आजकल किसके अंदर नहीं है, सबके अंदर है। और मोस्टली लोग जो है वो इस लालच में आते हैं। आपको एक तो जानवर महंगा मिलता है, दूसरा आपके पैसे अक्सर गायब हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो मेरे चैनल पर मुख्तलिफ व्यापारियों की वीडियो लगती हैं, आप ऑनलाइन उनसे भी ना ख़रीदें। मैं आपको रोक रहा हूं क्लियरली,
अगर आप खरीदेंगे ऑनलाइन आप खुद ज़िम्मेदार हैं, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि मैं तो अब वीडियो के एंड पर लिख के भी लगा देता हूँ और लोग उसको पढ़ने के बावजूद रब्ता करते हैं। ईमानदार से ईमानदार व्यापारी भी होना, हर व्यापारी जब माल खरीद के लाता है उससे भी अच्छा बुरा माल मिलता है। अच्छा माल वो देता है उन लोगों को जो फार्म पर आकर खरीदते हैं, बुरा माल उनके हिस्से में जाता है जो ऑनलाइन खरीदते हैं। ये उसका भी बिजनेस है, उसके साथ भी फ्रॉड होता है, वो आगे अपना फ्रॉड आपको पास ऑन कर देता है और आप उसका आसान शिकार होते हैं। आप कहते हैं जी हमने घर बैठ के ऑनलाइन ख़रीद लिया, ये जी लगारी साहब के चैनल पर वीडियो चली हुई थी, बस इनके चैनल पर चली हुई थी तो ये बंदे बिल्कुल जनाब बिल्कुल ओके होंगे। भाई हम किसी व्यापारी की कोई गारंटी नहीं दे रहे, अगर मैं गारंटी दे दूँगा तो मैं सिर्फ आरिफ भाई की दूँगा कि वो आपको जो माल परचेस करके देंगे वो साफ़ सुथरा होगा, वो खुश्क होगा, उसमें सिर्फ आपसे जो कमीशन मजदूरी है वो ली जाएगी, दूसरी साइड से नहीं ली जाएगी, इस चीज़ की हम गारंटी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों माजरत के साथ आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बहुत अरसे से समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी वो कहावत है ना कि जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं अकलमंद भूखा नहीं मरता, तो मेरे ख्याल में हर व्यापारी को अपने हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते हैं। तो माजरत के साथ की मुझे मिसाल देनी पड़ी समझाने के लिए, आप भी कोशिश करें आप उन बेवकूफ़ों की लिस्ट में मत आएं और मंडी तशरीफ़ लाएं, मंडी तशरीफ़ लाएं, आकर माल ख़रीदें। और एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रोज़ 40-50 वीडियोज़ आती हैं कि भाई ये वीडियो देखें इसका रेट बताएं। सर एक तो टाइम की शॉर्टेज है, मैं नहीं बता सकता इतनी वीडियोस को ओपन करूं और उसके बाद उन जानवरों को चेक करूं फिर आपको रेट का आइडिया दूं। दूसरी चीज़ वीडियो के ऊपर आप जानवर को ठीक से पहचान ही नहीं सकते, आजकल लंपी स्किन बीमारी आई हुई है और जो उसके जिस्म के ऊपर अगर कुछ छोटे मोटे फोड़े फिंसियाँ हैं और उस भाई ने कोई फ़िल्टर लगाया हुआ है, हल्का फुल्का फ़िल्टर भी, तो वो तो नज़र नहीं आएंगे। तो मैं कैसे आपको बताऊं ये जानवर इतने का है, इसकी वर्थ इतने की है, और ना ही उसकी कलर स्कीम प्रॉपर नज़र आती है अगर फ़िल्टर भी लगे हों। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ना, इससे मेरी माजत है, अगर आप वीडियोस ना ही भेजें तो ठीक है, भेजेंगे भी सही तो मैं उनका, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बनता उनका रिप्लाई करने का, इसलिए मैं नहीं कर सकूँगा। ख़रीदारी का तरीकाकार ये है कि मंडी के अंदर आपको टोटल पेमेंट कैश देनी होती है, आप नकद पेमेंट साथ लेकर आते हैं, मंडी में आपके पैसे सिक्योर होते हैं, आपने मंडी तक माल आपका जो पैसे हैं उनको आपने खुद साथ हिफाजत से लेकर आना है। लेकिन जब आप कहीं पर पहुंच जाते हैं, हमारे कांटे पर आ जाते हैं, कांटे का नाम भी याद रखें, ग्लोबल विलेज फार्मिंग कैटल फार्म एंड कंडा, यहां पर आरिफ भाई आपकी जो ख़रीदारी है उसको सुपरवाइज करवाएंगे, जो ख़ास तौर पर कांटे की ख़रीदारी होती है, और वहाँ पर आपके सामने बार्गेन होगी, आपके हाथ में होगी टोटल सिलेक्शन या रिजेक्शन, और ये आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए। जब आप कंडे वाले के हाथ में दे देते हैं तो समझ लें आपने अपना प्रॉफिट उसके हाथ में दे दिया। आपको जानवर पसंद नहीं आ रहा उसी वक्त कहें कैंसल भाई हमने नहीं ये लेना, छोड़ दें, शक है कि जानवर को ने ज़्यादा पानी पिया हुआ है या चारा लगा हुआ है या इस किस्म का, क्यों आपको शक भी पड़ जाए रिजेक्ट कर दें, ये आपका हक बनता है। आपने जानवरों को पालना है उसके बाद उनसे प्रॉफिट कमाना है, एक एक रुपया कीमती है। अगर आप इसी तरीके से लाश करने लग जाएंगे तो फिर आपके वो 3 महीने भी ज़ाया हो जाएंगे, साल भी ज़ाया हो जाएगा कोई। और इसके साथ साथ जनाब मंडी में फड़ियों से मुख्तात रहें, वो लोग जो मंडी में इंटर होते ही आपको घेर लेते हैं, और मेरे बारहा कहने के बावजूद भी, वो मैंने पहले मिसाल दी है कि बेवकूफ़ ज़िंदा है अकलमंद भूखा नहीं मरता, इतनी दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ, इसके बावजूद भी बाद में लोग कॉल करते हैं कि जी बस वो लोग हमें मिल गए थे जी, उन्होंने कहा हम आपके इलाके से हैं, हमारा वो जानते हैं, उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। अरे भाई मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फार्म पे जो बंदा काम करता था उस बंदे ने मंडी में आकर मालिक के साथ धोखा कर दिया, तो आप उन अननोन बंदरों के साथ जब फिरेंगे तो एक तो आपके पैसे गैर महफूज होंगे, दूसरा जो वो आपके साथ करेंगे वो तो आपको फिर अगर आप 3 महीने का फ्लाक डाल रहे हैं तो उस वक्त पता चलेगा, या जब आप कुर्बानी का माल बेचेंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि आपके साथ हो क्या गया। तो बराए मेहरबानी इन फ्रॉडों से बचें, मैं कोशिश करता हूं कि आपको गाइड करूं, आपको जो मंडी के राज हैं उनको अनवील करूँ आपके सामने। तो मेरे ख्याल में बहुत से दोस्त हैं जो इन बातों को समझ कर उनको ख़रीदारी का पता लग गया
उनको जानवरों के वज़न का आइडिया हो गया। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ ये इस तरह की वीडियो बनाते रहें। बहरहाल जी, अगवा की बातों को याद रखिएगा। और यूट्यूबर्स से माल लेने के बारे में मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ, आजकल ज़माना नहीं रहा वो वाला। तो बहुत से लोगों के नुकसान हो रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बराए मेहरबानी आप खुद मुख्तात हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।